आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। सेना में भर्ती की गई नई योजना अग्निपथ को लेकर बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है। लगातार दूसरे दिन भी जिलों में हंगामा और बवाल देखने को मिला। ट्रेनों पर पथराव और आगजनी की गई। बिहार के समस्तीपुर से लेकर यूपी के बड़े बड़े शहरों में खूब हंगामा हो रहा है और युवा सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सेना भर्ती के नए नियमों का विरोध जताने के लिए युवाओं की टोली अब सड़क पर उतर गई है और अब तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, बलिया, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, वाराणसी, देवरिया समेत बिहार के भी कई ऐसे जिले हैं जहां से लगातार प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। युवाओं ने इस दौरान जुमे के दिन जमकर उत्पात मचाए हैं, जहां एक तरफ जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, लेकिन अब अग्निपथ के खिलाफ जो युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जो युवा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब पुलिस को इन सब पर कंट्रोल करना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह फिरोजाबाद, वाराणसी, देवरिया, गाजियाबाद, बलिया, मथुरा, आगरा की तस्वीरें भी इस वक्त आप प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं द्वारा सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं से आगजनी, कहीं से पथराव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो वहीं अगर बिहार के लखीसराय की तस्वीर आप देखें तो इस दौरान युवाओं ने एक ट्रेन को आग के हवाले भी कर दिया है, जबकि बलिया में भी युवाओं ने जमकर उत्पात मचाते हुए ट्रेन को आग के हवाले कर दिया है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो किस तरह से युवाओं ने जमकर उत्पात मचाए हैं। क्या ये वही युवा है जो देश का भविष्य है? क्या ये यही युवा है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल इस दौरान खड़ा होता है कि अगर ये वही युवा है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो किस तरफ आखिर देश का भविष्य बढ़ रहा है कि उन्होंने इस योजना के विरोध करते हुए जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाया, पुलिस को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, सड़कों पर आगजनी की है, पथराव किया है पुलिस कर्मियों पर। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से। वही अगर अलीगढ़ की बात करी जाए तो वहां पर युवाओं ने जो बस है, रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया, जबकि बिहार के लखीसराय में एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से युवाओं में इस मुद्दे को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए देवरिया से हमारे संवाददाता रवि रावत जुड़ चुके हैं। रवि रावत, जहां एक तरफ आज जुमे का दिन है और दूसरी तरफ अब अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो पुलिस प्रशासन के लिए अब कितनी मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं? बता दीजिए, देवरिया जनपद के सड़क सुभाष चौक पर प्रदर्शनकारियों ने काफी उग्र प्रदर्शन किया था और वहीं रेलवे स्टेशन पर लगभग 4 घंटे तक ट्रेन बाधित भी किया था। और आपको बता दें कि इस समय देवरिया जनपद के युवाओं ने बस स्टैंड पे कई गाड़ियों पे भी तोड़फोड़ किया है और प्रशासन से भी नोकझोंक हुआ है। और आपको इस तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं और सीओ, क्षेत्राधिकारी और संकल्प शर्मा ने लगभग 4 घंटे से कड़ी मशक्कत करने के बाद भी अभी तक ये युवाएं काबू नहीं पा सके हैं। और आपको इन तस्वीरों में दिखा दें कि युवाओं का प्रदर्शन अभी भी चालू है और अभी भी रोड जाम कर रोड बाधित भी कर रहे हैं। रवि रावत, अगर देखा जाए तो प्रदेश के कई जनपदों से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं वो काफी उग्र होते हुए अब नजर आ रहे हैं, तो क्या देवरिया से भी अभी कोई ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है कि युवाओं ने किसी भी तरह की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है? जी जी जी, अभी बता दें कि बीजेपी की गाड़ियों को निशाना भी बनाया गया है, बीजेपी की गाड़ियां तोड़ी भी गई है और एक गाड़ियों पे पथराव भी किया गया है। प्रशासन से भी नोकझोंक यहाँ लगातार हो रही है और प्रशासन इनको समझाने में जुटे हुई है, लेकिन ये युवाएं मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आपको बता दें कि यही तस्वीरें हैं जो सबको हैरान कर देने वाली है। यह मुख्य मार्ग रोड है जहाँ लगभग 2 घंटे से जाम की समस्या बनी रही है और यातायात प्रभावित हो रही है। रवि रावत, हम आपसे चाहेंगे कि जिस तरफ प्रदर्शन हो रहा है आप उस तरफ जाके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से जो देश के युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं।
जी अब मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं कि कैसे पुलिस बल यहां तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ हजारों की संख्या में यहां युवाएं प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन की नोकझोंक भी यहां हो चुकी है और युवाएं प्रशासन समझाने में जुटी है लेकिन युवाएं समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मैं आपको इस तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहां काफी संख्या में प्रशासन मौजूद है और युवाएं भी यहां प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रवि रावत, अगर देखा जाए तो इस दौरान जो युवा है उनमें क्या लड़कियां भी शामिल होती हुई प्रदर्शन में नजर आ रही हैं या सिर्फ लड़के ही हैं जो उग्र तरीके से होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी तक हजारों की संख्या में यहाँ युवाएं इकट्ठित हैं। वहीं सुभाष चौक पर प्रदर्शन करते हुए देवरिया सदर रेलवे स्टेशन में ट्रेन को भी बाधित किया गया था। अब यहाँ मुख्य मार्ग जो बस स्टैंड कहते हैं जहाँ हजारों की संख्या में यात्री रहते हैं और वहाँ बाधित करते नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि देवरिया SP संकल्प शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन युवाओं को समझाने में जुटे हुए हैं और देवरिया इस तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे देवरिया SP लगातार युवाओं को समझाने में जुटे हुए हैं। सामने इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं देवरिया SP संकल्प शर्मा कैसे जा रहे हैं और लगातार कड़ी मशक्कत करने के बाद भी युवाएं मान नहीं रहे अपनी मांगों को लेकर, COG वापस मांगों को लेकर लगातार नियंत्रण कर रहा है। बिल्कुल रवि, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरह से अलर्ट था। कई जनपदों में धारा 144 लागू थी, तो आखिर इतनी संख्या में जो प्रदर्शनकारी युवा है वो सड़क पर कैसे उतर आए? जी आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों की संख्या काफी हजारों की संख्या में और यहाँ ADM प्रशासन, SP और क्षेत्राधिकारी सदर SDM सभी फोर्स भारी फोर्स बल के साथ यहाँ उतर चुके हैं, फिर भी युवाएं नहीं समझ रहे हैं और युवाएं हजारों की संख्या में रोड जाम करके बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सेना भर्ती मांगों को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, अगर देखा जाए तो आपने जिस तरह से बताया कि हजारों की संख्या में जो है वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ इस दौरान मांग है जो युवाओं द्वारा उठाई जा रही है? अभी प्रशासन की तरफ से निरंतर प्रयास किया जा रहा है, उनकी बातों को समझने की कोशिश की जा रही है लेकिन युवाएं बातें समझना तो दूर, रोड बाधित करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन लगभग 4 से 5 घंटा होने को है, अभी तक युवाएं शांत नहीं बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। रवि, अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि क्या ये वही युवा है देश के जिनके हाथों में देश का भविष्य है? जी जी, आपको बता दें कि यही युवा है जिनके देश में देश का भागदौड़ होता है और यही युवा है आगे चल के देश की भविष्य क्या वो उज्जवल होते हैं और यही युवा आज गाड़ियों पे तोड़ फोड़, रोड जाम और खेल करते नजर आ रहे हैं। जी रवि, अगर देखा जाए तो भारी संख्या में जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर जो हजारों की संख्या में छात्र इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर छात्र नहीं माने, अगर छात्रों का प्रदर्शन और उग्र होता गया तो पुलिस का आगे का एक्शन प्लान क्या होगा? जी जी, आपको बता दें कि अभी तक COG वापस करने की मांग नियंत्रण कर रहा है और यही युवाएं हजारों की संख्या में एकजुट हो गए हैं और अभी रेलवे स्टेशन से यह मुख्य मार्ग बस स्टेशन में पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से भी नोकझोंक हो रही है। और आपको बता दें कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यानी कि रवि रावत, ये कहा जाए कि प्रदर्शन आगे और उग्र होने की संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से युवा लगातार हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं उसको देखकर ये साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा सकता है। जी जी, प्रदेश भर में यह हिंसा लगातार चल रही है, हर राज्यों में यह प्रदर्शन हो रहा है और यही प्रदर्शन देखते हुए आज देवरिया में भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो कई गाड़ियां भी तोड़ी गई और प्रशासन से नोकझोंक भी किया गया है और देवरिया SP संकल्प शर्मा लगभग 4 घंटों से कड़ी मशक्कत कर रहा है, फिर भी यह छात्र बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। रवि, अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को इसलिए चलाया गया था कि जो युवा है उनमें देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जा सके, लेकिन शायद ये निकल के सामने आ रहा है कि युवा इस योजना को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर सरकार द्वारा इस योजना को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। युवाओं की मांग है कि अगर यह हमारा COG वापस नहीं होता है तो मैं आगे भी प्रदर्शन करता रहूंगा, जैसे कृषि बिल के लिए किसान आंदोलन पे बाध थे उसी तरह हम भी बाधे होंगे और युवाएं नियंत्रण संघर्ष यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको बता दें कि युवाएं मानने की नाम नहीं ले रहे हैं, ये युवाएं समझ नहीं रहे कि यह सरकार की कैसी नीतियां हैं, कैसी योजना है, यह समझाने के लिए प्रशासन लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। रवि, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर जो युवा है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप एक बार फिर से जो दर्शक है उनको वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से युवा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है।
जी 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 आपको बता दें कि हम देवरिया के मुख्य मार्ग पर स्टेशन पे मौजूद है। ग्राउंड रिपोर्ट की आपको मैं पल पल की अपडेट करा रहा हूँ और यही युवाएं अभी देखिए यहाँ बस स्टैंड से होते हुए कुछ दूरी भटवलिया चौराहा है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और लगातार दोनों तरफ भारी संख्या में युवाएं मौजूद है और प्रदर्शन करने पे मजबूर हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जी धन्यवाद रवि रावत इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से देवरिया में जो है प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, जो युवा है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा लगातार युवाओं को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन युवा किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। यानी कि ये साफ तौर पर कहा जाए कि जो ये जुम्मा है यानी जो ये फ्राइडे है ये भी कहीं ना कहीं आज ब्लैक फ्राइडे साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पुलिस के सामने पहली चुनौती तो ये थी कि वो किस तरह से जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए, तो वहीं अब पुलिस के लिए अग्निपथ के खिलाफ जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब वो चुनौती भी एक बड़ी निकल के पुलिस के लिए सामने आ रही है। आगरा, मथुरा, बलिया, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, वाराणसी, देवरिया, यही नहीं बिहार के लखीसराय की भी तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह युवा उग्र होते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने कहीं पे बस को आग के हवाले किया तो कहीं पर खड़ी ट्रेन में आग लगा दी है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये देश का भविष्य है जो आगे चल के देश चलाएंगे, लेकिन आज ये जमकर उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जाए कि ये छात्र तो नहीं है, ये आप उपद्रवी कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने पुलिस बल पर भी हमला करने की कोशिश की, पथराव की, ईंटें बरसाए, पत्थर बरसाए, साथ ही साथ ट्रेनों में भी आगजनी की है, जबकि जो खड़ी बसेस थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, खास तौर पर आप फिरोजाबाद की अगर तस्वीर देखें तो किस तरह से बड़े बड़े ईंटे लेकर छात्र जो है, जो युवा है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि ये अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसकी जानकारी सेना के तीनों प्रमुखों ने दी थी। वही अब इस मामले को लेकर लगातार जो युवा है वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये साफ तौर पर कहा जाए कि जो युवा है वो इस नीति को समझ नहीं पा रहे हैं, या सरकार द्वारा इस नीति को ठीक ढंग से युवाओं के बीच अभी तक समझाया नहीं गया है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन युवाओं में देखने को मिल रहा है, युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवाओं का साफ तौर पर कहना था कि जब 4 साल के कार्यकाल के बाद जब उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा तो आखिर वो क्या करेंगे, लेकिन जब बीते दिनों कल प्रदर्शन हुआ तो आज सरकार द्वारा इस योजना को 6 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। लेकिन जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना को 6 साल के लिए बढ़ाया गया, यानी कि 4 साल पहले से ही ये योजना कार्यक्रम में जब लॉन्च की गई थी तो साफ तौर पर कहा गया था कि 4 साल बाद जो युवा है जो सेना में भर्ती होंगे उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, और जब आज उस कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया तो यानी अब ये अग्निपथ योजना तकरीबन 6 साल के कार्यकाल की हो चुकी है, लेकिन युवाओं में अभी भी आक्रोश व्याप्त है कि 6 साल बाद जब 75% युवाओं को रिटायरमेंट दे दी जाएगी तो उनका भविष्य क्या होगा। वह जब आज केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे ने विपक्षी पार्टियों को एक जोरदार हमला करने का मौका दिया, क्योंकि अब विपक्षी पार्टियां लगातार ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि केंद्र सरकार ने बिना विचार विमर्श किए ये नीति को युवाओं के ऊपर थोपने का काम किया है, और महज 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता था कि केंद्र सरकार को अपनी योजनाओं में बदलाव कर लिया गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है कि ये जो योजना है ये ठीक ढंग से बिना सोचे समझे युवाओं के ऊपर थोपने का काम किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से संजीव और गाजियाबाद से प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अगर देखा जाए तो इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं, तो अभी गाजियाबाद में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? देखिए मुस्कान, बता दूं आपको, सुबह से ही यहां पर जो लोग थे यहां पर प्रदर्शन करने आए थे, जो कि मेरठ रोड पे उन्होंने एक जगह चुनी थी जहां पर वो लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा भी हुए। वहां पर खास तौर पे उन्होंने आगजनी की, वहां पर एक ट्रक के टायर को बीच सड़क पे रखकर कहीं ना कहीं उन्होंने आगजनी की, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने एक टीकरा फोड़ा है, और कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर की है कि आखिर जो 4 साल के लिए उनको एक तैनाती दी जा रही है
और 4 साल के बाद उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफी संख्या में युवा वहां पर नाराज दिखाई दिए और खासतौर पर केंद्र सरकार को हाय हाय के नारे भी लगाए, खासतौर पर उनको कोसा भी। तो कहीं ना कहीं ये जो युवा है, अगर बात की जाए, अगर जो इस तरह से आगजनी कर रहे हैं और जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, तो ये वो देश के वो नौजवान युवा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो युवा जो देश के रक्षक होते हैं, वो हम पूरे देश की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि वो अपने ही देश में इस तरीके का माहौल क्रिएट करें जिससे कि लोगों में काफी वो सेना के प्रति वो जो सम्मान है, उस सम्मान को कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखना पड़े। जी संजीव, इस वक्त आप फिरोजाबाद में मौजूद है, तो वहां पर इस वक्त कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि जहां एक तरफ आज जुम्मे की नमाज है जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं अब अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, तो वहां से कैसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है? देखिए मुस्कान, मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद में इस समय माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। चौराहों पर 10 सेक्टर में फिरोजाबाद जिले को बांटा गया है। पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी महोदय सुबह से ही पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की यहां तैनाती की गई है। जिले का माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। यानी कि ये कहा जाए कि अगर फिरोजाबाद की बात करें जाए तो वहां पर अभी तक किसी भी प्रकार के हिंसा की खबर निकल के सामने नहीं आई है? नहीं, फिरोजाबाद में हिंसा की कोई खबर सामने निकल के नहीं आई है। सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कुछ बच्चों द्वारा एक बस में पथराव किया गया था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझा के उनके घर उन्हें भेज दिया गया। पुलिस कप्तान और फोर्स मौके पर पहुंच गया था। सवारियों को भी आराम से दूसरी बस में बैठा के रवाना कर दिया गया। उसके अलावा पूरे जिले में कोई भी अप्रिय घटना अभी तक तो होती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रवीण, अगर देखा जाए तो इस वक्त लगातार प्रदेश के कई जनपदों से हिंसा की खबर निकल के सामने आ रही है, तो क्या कुछ युवाओं द्वारा मांग उठाई गई है इस योजना को लेकर कि उनको सड़क पर उतरकर इतना उग्र होना पड़ा? देखिए बात की जाए, जिस तरह से जो सरकार ने एक तरह से तो जो 21 साल की उम्र रखी गई थी कि 21 साल में जो लोग हैं इसकी उनकी भर्ती होगी, अब कहीं ना कहीं जो उसमें उम्र का है, उम्र में बढ़ोतरी की गई, और खासतौर पर जो 4 साल का कार्यकाल रहेगा जो सेना में भर्ती का, तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों में खासी इस तरह का जो नाराजगी देखने को मिले केंद्र सरकार द्वारा, तो ये भी एक बड़ा विषय है। और दूसरी बात की जाए, जिस तरह से आगजनी की जा रही है बाकी क्षेत्रों में, बाकी जिलों में, तो ये एक चिंता का विषय है। खासतौर पर आज जुम्मे का भी दिन है जिसमें पुलिस के लिए खासतौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने देखने को मिली, क्योंकि पुलिस या तो फिर जुम्मे की नमाज को अदा करने में काम करेगी, या तो फिर वो नौजवान जो सेना में भर्ती की मांग कर रहे हैं और खासतौर पर इस तरह से आगजनी कर रहे हैं, तो ये काफी चिंता का विषय, शर्मनाक है, क्योंकि युवा हैं, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए किसी तरह से, क्योंकि जो आगजनी ट्रेनों में की जा रही है वो एक बहुत ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है खासतौर पे। तो ये कहीं ना कहीं अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच में इस तरह की घटना जो हो रही है काफी निंदनीय है। जी संजीव, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो युवा सड़क पर उतर कर उपद्रव मचा रहे हैं, इन्हें युवा नहीं कहा जा सकता, अब इन्हें उपद्रवियों का नाम दिया जाएगा। देखिए ये लोग जो उपद्रव मचा रहे हैं, इन्हें युवा कहना तो बिल्कुल कतई भी बिल्कुल जायज नहीं होगा। ये लोग सेना में अगर मान लीजिए ये तैयारी कर रहे हैं और ये सेना में अगर जाते हैं, तो अगर इस तरीके का व्यवहार इनका अगर सेना में भी रहता है, तो सेना के प्रति भी लोगों के मन में जो इज्जत बनी हुई है, भारतीय सेना के प्रति जो लोगों के अंदर जुनून और इज्जत रहती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होती हुई नजर भी आ रही है। जी प्रवीण, अगर देखा जाए तो अब केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 6 साल का कार्यकाल अब कर दिया गया है, तो क्या कहा जाए कि जो सरकार है वो इस योजना को जब लागू कर रही थी तो उन्होंने ठीक ढंग से इस पे विचार विमर्श नहीं किया था, जो युवाओं में आक्रोश देखने को मिला? जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए अगर सरकार चाहती तो ये काम पहले भी कर सकती थी, जो कि 6 साल का आज उन्होंने ये निर्णय लेना पड़ा, और जो कि देश में इस तरह से आगजनी हुई है नौजवानों के द्वारा, तो ये भी काफी चिंता का विषय है। अगर सरकार चाहती तो इसको पहले से लागू कर देती जिससे कि युवा जो है उनमें नाराजगी नहीं होती। और ये बहुत बड़ा विषय है कि अगर बात की जाए नौजवानों की, जिस तरह से रोड पे आज वो उतरे हैं अपनी इस मांग को लेकर, तो ये काफी पहले कर देना चाहिए था सरकार को, लेकिन अब जो कर रहे हैं तो इसमें भी 6 साल का जहां तक है कि उसमें भी लोग नाराजगी दिखा रहे हैं कि अगर हमें 6 साल के लिए रखा जा रहा है तो एक तरीके से एक ये लंबे समय तक नहीं है, कहीं ना कहीं इसको भी लेकर लोग नाराज है, कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे नौजवान है जिसमें इन लोगों ने सहमति भी जताई कि चलो कोई बात नहीं, 2 साल तो और बढ़े हम लोगों के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनको अगर वो अच्छे तरह से अच्छे ढंग से काम करेंगे सेना में, तो कहीं ना कहीं उनको भी आगे कहीं आगे बढ़ने के लिए और लंबे पीरियड तक उनको वहां पर भर्ती भी दी जा सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। जी संजीव, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो वहीं अब इस फैसले पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार को घेरती हुई भी नजर आ रही हैं।
देखिए, दो साल के लिए सरकार ने एक्सटेंड किया है, चार साल के बाद छह साल कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि एक युवा 18 साल की उम्र में भारतीय सेना का जवान बनता है, 24 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो जाता है, जब वो अपने जीवन के मेन पड़ाव पे होगा, जब उसका समय होगा, जब वो शादीशुदा होने की कगार पे होगा, जब शादी का समय होगा, बच्चे का समय होगा, पालन पोषण का समय होगा, उस समय वो नौकरी से रिटायरमेंट हो चुका होगा, तो उसके लिए भविष्य को लेके युवा ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि भविष्य में फिर उनको क्या क्या करेंगे वो आगे जाके। कुछ सरकारों ने, यूपी पुलिस में या उत्तर प्रदेश सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस में उन लोगों को वरीयता देने की बात की है, केंद्र सरकार ने असम राइफल या पैरामिलिट्री फोर्स में उनको वरीयता देने की बात की है, लेकिन वो चीजें तो तब हो पाएंगी ना जब वो युवा वहां से निकल के आएगा, उसके बाद उसको एक बार फिर से तैयारी करनी होगी, उसके बाद फिर वो फिजिकल देगा, उसके बाद वो दूसरी नौकरी पा पाएगा, तो क्यों ना वो पहले से ही उस नौकरी की तरफ ध्यान दें, भारतीय की तरफ ध्यान क्यों दें वो। बिल्कुल सही प्रवीण, अगर देखा जाए तो सुबह से ही हिंसा की खबरें सामने आ रही थी, तो इस वक्त गाजियाबाद का माहौल कैसा बना हुआ है, क्या अभी भी वहां पर प्रदर्शन जारी है या अब स्थिति पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में है? देखिए मुस्कान, जब सुबह वो लोग आए थे वहां पर प्रदर्शन करने के लिए, उन्होंने जब पुलिस को पता चला, सूचित हुआ, उनको सूचना मिली, तो वहां मौके पर पुलिस बल मौजूद वहां पर पहुंचे और साथ में सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे थे, जिससे कि उन या जो नौजवान थे उनको समझाया गया कि आप लोग जिस तरह से ये कर रहे हैं, थोड़ा आदेश का थोड़ा इंतजार कीजिए, कहीं ना कहीं कोई आदेश आ जाएगा, तो उसको लेकर वहां से उन लोगों को शांत होकर आके भेज दिया गया। लेकिन अभी जो उपद्रव मचा हुआ था, जो लोग कर रहे हैं खासतौर पर और जिले में, तो यहाँ गाजियाबाद में भी इस तरह का कोई माहौल नहीं देखने को मिल रहा है, जो सुबह था उसको शांत करा लिया गया था। लेकिन एक बात और कही जाए कि जो नौजवान है, जो जिस तरह से तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, तो उन लोगों का ये भी कहना है कि जो उम्र की मियाद को बढ़ाया गया है, इसको लेकर भी काफी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं कि उम्र जो पहले 21 साल की गई थी, जैसे कि अब वो 23 साल कर दी गई, तो उनका जो उनकी तैयारियां हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने आ रही हैं, कि जो लोग उनको जो चांसेस मिलना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं अब उनको चांस मिलना नाकायद दिखेगा उनको। जी लेकिन संजीव, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज केंद्र सरकार द्वारा जो इस योजना का कार्यकाल है वो 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं युवाओं का तो ये माइंडसेट हो गया होगा ना कि अगर वो आगे प्रदर्शन और करेंगे तो क्या पता ये जो ड्यूरेशन है ये और ज्यादा बढ़ा दी जाए। देखिए युवा इस अग्निपथ योजना से पूरी तरीके से बहुत ज्यादा नाराज हैं, वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उन्हें 2 साल या 4 साल के एक्सटेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये चाहते हैं जैसे सेना में पुरानी तरीके से भर्तियां होती थी उसी तरीके से रेगुलर भर्तियां किए जाए और युवाओं के अंदर जोश है, वो भारत माता की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है, लेकिन वो चाहते हैं कि भर्तियां पुरानी तरीके से की जाए। जी धन्यवाद प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए और संजीव फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार जो है वो हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात फिरोजाबाद और गाजियाबाद की करें तो वहां कहीं ना कहीं अब स्थिति पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में है, जबकि देवरिया से जहां से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे वहां बिल्कुल ही स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो है वो अभ्यर्थी जो युवा है वो लगातार हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार पहले तो उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर युवा नहीं माने तो जबरन पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले भी बरसाने पड़ेंगे। तो आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इस हिंसा की तस्वीरें प्रदेश के कई जिलों से सामने आ रही है। आगरा, मथुरा, बलिया, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, वाराणसी समेत देवरिया की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, कहीं पर युवाओं ने ट्रेन के जो रूट है उनको बाधित करने का प्रयास किया, कहीं पे तो ट्रेनों को ही आग के हवाले कर दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो इस हिंसा का विरोध लगातार जो है वो पुलिस चाह रही है कि इस हिंसा को किसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए, लगाम लगा लिया जाए, क्योंकि जहां एक तरफ पुलिस के सामने पहले से ही एक जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की चुनौती है, तो कहीं ना कहीं अब अग्निपथ योजना के प्रदर्शन में जो युवा सड़क पर उतरे हैं उन्हें रोकने में भी पुलिस को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भले ही पूरी तरह से मुस्तैद था लेकिन ये एकाएक प्रदर्शन के खिलाफ अब पुलिस एक्शन लेता हुआ लगातार नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा इस योजना का विरोध देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सेना में जितनी भी भर्तियां होती हैं ज्यादातर भर्तियां बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं की ही होती है। यही वजह है कि जब ये योजना लागू की जा रही थी उसके अगले दिन से ही इस योजना के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा था, लगातार जो युवा है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही आपको बताते चले कि इस प्रदर्शन को लेकर आज 3रा दिन हो चुका है, साथ ही कई जनपद ऐसे भी हैं जहां पर धारा 144 लागू थी। तो अब एक ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब धारा 144 लागू थी जनपद में तो आखिर कैसे
जो युवा है वो इतनी भारी संख्या में सड़क पर उतर गए और पुलिस अब उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अभी आपने देखा देवरिया की तस्वीरें कि किस तरह से हजारों की संख्या में छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, इस योजना को रद्द करने की मांग लिए युवा अब सड़क पर उतर आए हैं। लेकिन जिस तरह से युवा उपद्रव मचा रहे हैं, जिस तरह से युवा उत्पात मचा रहे हैं, साफ तौर पर इन्हें कहा जा सकता है कि इन हाथों में देश का भविष्य नहीं हो सकता। ये वो युवा नहीं है जो सेना में जाएंगे, क्योंकि सेना में भर्ती होने वाले युवा में हमेशा से ही एक डिसिप्लिन बरकरार होता है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश के जनपदों से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, जिस तरह से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इन्हें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये अभ्यर्थी कतई सेना की तैयारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो सेना की तैयारी करेगा उसमें एक डिसिप्लिन जरूर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर हर एक चीजों को तार तार करते हुए युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, आगजनी की है, पत्थरबाजी की है। साथ ही साथ पुलिस को भी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने नहीं बख्शा, पुलिस पर भी ईंट पत्थर बरसाए गए। फिरोजाबाद में तो बेहद ही बड़े बड़े ईंट पत्थर बरसाए गए। वाराणसी, देवरिया, गाजियाबाद, बलिया, मथुरा, ये तमाम कई ऐसे जिले हैं जहां से आज इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं बलिया की तो आप तस्वीरें भी साफ देख सकते हैं, किस तरह युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए पूरी एक ट्रेन को ही आग के हवाले कर दिया और आग की लपटे किस तरह से जो ट्रेन की खिड़कियां है उससे बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, जिसको साफ तौर पर ये देखा जा सकता है और कहा भी जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता आफ्ताब आलम जुड़ चुके हैं। आफ्ताब आलम, अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार जो युवा है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, लगातार जो युवा है वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं अब हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो अभी वाराणसी की स्थिति क्या बनी हुई है? लोग और आकर के यहाँ पर देखिए रोडवेज बस स्टैंड पर, यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से यहाँ पर बसों को तोड़ा फोड़ा गया है और आपको अपने सहयोगी से कहूंगा कि पूरी तस्वीर दिखाए आपको कि किस तरीके से यहाँ 20 से 25 संख्या में पूरी बसों को तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि सुबह स्टेशन के बाहर कम से कम 300 से 400 लोग एकत्रित होकर के स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद वहां से जाती हुई बस जो बसें हैं उसको रोक करके तोड़फोड़ करना चालू कर दिया और लोगों को मारना पीटना, दौड़ा दौड़ा के मारना पीटना चालू कर दिया, जिसको लेकर के काफी उपद्रव हुआ। प्रशासन वहां पर नहीं था मौजूद, थोड़े से पुलिस थे जिससे जो उन्हें रोक नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वहां मोहल्ले वालों ने काफी संख्या में दौड़ा करके भीड़ को भगाया और वहां से भागने के बाद लोग इधर पहुंचे रोडवेज पर और आने के बाद यहाँ पर काफी संख्या में तोड़फोड़ किया। बिल्कुल आफ्ताब, अगर देखा जाए तो वाराणसी में पहले ज्ञानवापी, फिर उसके बाद अब जुम्मे की नमाज और अब ये तीसरा विवाद, तो पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इन सभी चीजों पर कंट्रोल करके शांति व्यवस्था कायम करना वाराणसी में। जी आफ्ताब, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से वाराणसी की तस्वीरें इस वक्त हमने देखी, किस तरह से जो हिंसक छात्र है, जो हिंसक युवा है, उन्होंने रोडवेज बसों में तोड़फोड़ की है, रोडवेज बसों के शीशे तोड़ दिए गए। इस दौरान करीब 20 से 25 बसों को युवाओं ने निशाना बनाते हुए उन बसों के शीशे तोड़ दिया। आपने तस्वीरें देखी, सीधा वाराणसी से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, युवाओं में आक्रोश व्याप्त है इस प्रदर्शन को लेके। जहां एक तरफ वाराणसी में धारा 144 लागू की गई है, जहां एक तरफ पहले ज्ञानवापी, फिर उसके बाद जुम्मे की नमाज और अब अग्निपथ के खिलाफ जो युवा सड़क पर उतरे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अब जो सरकार है और जो पुलिस है उन सभी के लिए अब जो चीजें हैं वो कंट्रोल करना बेहद ही कहीं ना कहीं मुश्किल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो एक तरफ धारा 144 लागू की गई थी, तो एक सबसे महत्वपूर्ण और एक जो बड़ा प्रश्न निकल के सामने आ रहा है कि आखिर किस तरह से सड़क पर इतनी भारी संख्या में जो युवा है वो सड़क पर इकट्ठे हो गए और आखिर किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जबकि साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो आखिर किस तरह से फिर अब आगजनी की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं।
साफ तौर पर कहा जाए तो जुलाई का महीना कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए बेहद ही भारी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जहां कानपुर दंगे से शुरू हुई हिंसा लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है और साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि आज का भी ये ब्लैक फ्राइडे कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीते तीन फ्राइडे यानी कि तीन शुक्रवार से लगातार हिंसा की खबरें प्रदेश के कई जनपदों से सामने आ रही है। जहां एक तरफ नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ कानपुर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा, बीते दिनों प्रयागराज में प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं अब अग्निपथ योजना के खिलाफ भी युवाओं में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। आगरा, मथुरा, बलिया, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, वाराणसी, देवरिया, ये सभी यूपी के वो जिले हैं जहां से प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बिहार के लखीसराय में भी हिंसा की खबरें सामने आई, आगजनी की खबरें सामने आई, यानी कि ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो ये महीना है ये प्रदेश के लिए भारी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता धनीराम खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। धनीराम, साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से बीते तीन दिनों से अग्निपथ योजना के खिलाफ लोगों में और युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो इस वक्त मथुरा की ताजा स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि वहां से हिंसक होने की भी खबरें सामने आ रही थी कि युवा काफी हिंसक होते हुए वहां नजर आ रहे हैं। युवाओं का हिंसा इतनी ज्यादा हो गई है कि रोड पर पूरे रोड को जाम कर दिया है। सुबह से ही पूरे जो उपद्रवी हैं, जो युवा हैं, वो उन्होंने बहुत भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वो पूरे रोड पर पूरे हाईवे को उन्होंने पूरा जाम कर दिया है और कहीं ना कहीं उनकी पुलिस के साथ भी टकराव हो रही है। लगातार वो इस जो अग्निपथ जो निर्णय लिया गया है सरकार का, ये उनके विरोधी है। हमने कई युवाओं से बात की, कई युवाओं ने इसका समर्थन भी किया कि ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि जो युवाओं को 4 साल में ही रिटायर कर देगी और 4 साल के बाद में उन्हें 12 लाख रुपए नए रोजगार के लिए दिएगी। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के चलते हुए आज मथुरा, दिल्ली, आगरा रेल ट्रैक है वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ आगरा और हाईवे नेशनल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यही नहीं, सुबह से ही युवाओं की टुकड़ियां लगातार नेशनल हाईवे पर पथराव और आगजनी की घटना को अंजाम दे रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन बहुत समझाने का प्रयास कर रहा है उनको, परंतु वो इतनी संख्या में है कि बहुत जगह 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 पुलिस तो इनको खदेड़ देती है आगे, फिर वो दूसरी जगह उपद्रव शुरू कर देते हैं। और इसी बीच बहुत सारे जो यात्री हैं वो इस रोड में फंस गए और अपना सामान छोड़कर और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उन्होंने गाड़ियों में से जान बचाई। परंतु कहीं ना कहीं सरकार के प्रति युवाओं का इतना आक्रोश है कि वो इस निर्णय को बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं है जी। लेकिन धनीराम, अगर देखा जाए तो जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें और खबरें निकल के सामने आ रही हैं, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये सेना में भर्ती होने वाले तो युवा नहीं हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल ठीक है कि कुछ लोग जो हमने अभी सुबह इसी मैथर को लेकर के बात की जो के फौज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से युवा जो कोचिंग कर रहे हैं और बहुत युवाओं से अभी अब सुबह से हमने इस मुद्दे पर लेकर के बात करी, सब ने एक ही जवाब दिया कि सरकार का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है कि जो लोग रिटायर हो जाते थे, जो काफी समय में रिटायर होते थे, उनको 4 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं हम जवानी में ही एक अपना दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं और एक सर्टिफिकेट हम फौज का भी और देश के लिए समाज का भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे जो युवा थे उन सभी ने इसका समर्थन किया, परंतु जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये जो वो कर रहे हैं, तो ये पुरानी यादें जो थी अलगावादी वाली वो ताजा हो रही है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं इस आड़ में ये पत्थरबाज हैं जो और भी हो सकते हैं, परंतु इसमें युवाओं को धकेला जा रहा है। जी धन्यवाद धनीराम खंडेलवाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा किस तरह से हमारे जो संवाददाता है वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वो लगातार प्रदेश के कई जनपदों से ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर युवा जो है वो हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं, युवा जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वो युवा बिल्कुल नहीं हो सकते जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। क्योंकि सेना में भर्ती होने के लिए हमेशा एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के जनपदों से आगजनी और हिंसक होने की खबरें सामने आई, इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये युवा देश का भविष्य कतई नहीं हो सकते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।